कुछ मिला? पहले मेरी बयान ही हो रहा था। अच्छा, रिजेक्ट, लड़कियां रिजेक्ट कर देती थी। अच्छा, अब देखो हमारी शादी होने वाली है, अब पक्का हो जाएगी। अब तो कोई ना कोई देखेगी तो हाथ तो जरूर कर देगी, अब तो लाइन लग जाएगी। तो गाइस आपको आना है यहाँ पे जो बिल्कुल पड़ता है रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के सामने, जस्ट सामने पड़ता है 348 पिलर नंबर। Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, नया दिन नई शुरुआत और आज फिर से आज हम आ गए हैं प्रदीप भाई के पास। पहले तो बोल दे भाई। So guys, प्रदीप भाई ने जो नई शॉप है वो खोल ली है, क्योंकि पहले वाली जो शॉप थी वो थोड़ी सी कंजस्टेड हो रही थी, मतलब अंदर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी एंड काफी ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी कि भैया यार अंदर मजा नहीं आता, मतलब हमें बैठने की जगह सही तरीके से नहीं मिल पाती। सो अब खुल्ला डुल्ला हो गया, जिसको अभी आप आगे जो है वीडियो में देखोगे। सो भाई ने खोली है नई ब्रांच, और ब्रांच खोलने के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो प्राइजेस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। एंड अगर आप लोग भी हेयर पैच हेयर सिस्टम लगाने का सोच रहे हैं देन आप प्रदीप के पास आ सकते हैं। तो प्रदीप एक बार ही बता दे शॉप का नाम और कहाँ पे पड़ता है। हेयर मोन नाम है कंपनी का, ये 2070 रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में। सो भाई 4499 रुपए में आपको यहाँ पे जो पैच है वो मिल जाएगा लगा के, ठीक है ना, लगा के मिलेगा। एंड जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो हमें 18000 रुपए मिलने वाला है। मैम बताने वाली है, भाई एक हमारे साथ आए हैं, हमारे ही सब्सक्राइबर है और भाई लगवाना चाहता था पैच, तो क्या इसकी नीड है, क्या क्या चीज़ें दिमाग में लेके बैठा हुआ है, कितना बजट है, एक बारी मैम प्रॉपरली तरीके से समझाएंगी। तो आप भी अगर आएंगे तो आपको भी इस तरीके से प्रॉपरली गाइड करा जाएगा, ताकि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सारे के सारे क्लियर हो सके। सो ओवर टू मैम। आपने यहाँ विजिट किया है, आपका कंसर्न क्या है मैं जान सकती हूँ? आप पैच के लिए जाना चाहते हैं? ओके, आप अपनी कैप हटाएंगे एक बार मुझे दिखाएंगे किस हिसाब से? आपको हेयर फॉल कितने टाइम से है? ये काफ़ी दिन हो गए, 4 साल से। आपने इससे पहले कभी ऐसा हेयर यूनिट वगैरह कभी यूज किया है? आपको कोई थोड़ा बहुत आइडिया है कैसा आपका किस पैच को किस हिसाब से आपको रख रखाव करना है, किस हिसाब से आपको मेंटेन करना है एंड इसको यूज करते हो तो कितना आपको नेचुरल लगेगा, आपको कुछ आइडिया है इसका? जी, लगाने के बाद ही लगेगा। दो तीन चीज़ों की कैलकुलेशन मेंटेन करनी पड़ती है। फर्स्ट, हमारी अर्निंग्स में कितना अमाउंट आप इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए लुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस रहेगा। जैसे मैं अगर जाती हूँ, ये वाले यूनिट होते हैं जिसको एक्सीलेंट हेयर बोलते हैं, इसमें क्या होता है अगर आप इसका देखोगे, इसके चारों तरफ बॉर्डर होता है, राइट? तो इसमें चारों तरफ बॉर्डर होने की वजह से इसकी लाइफ सबसे बेस्ट काउंट होती है। अब आप ये देखोगे, इसमें एक रफ लेंथ होती है, इस रफ लेंथ के अकॉर्डिंग अब जो आप जो भी हेयर स्टाइल रखते हो आपकी हेयर के साथ मर्ज करते हो, जब इसको कट करेंगे इट विल लुक प्योर नेचुरल, कोई कह नहीं सकता कि यूनिट लगा हुआ, बिकॉज आपका साइड लॉक एंड बैक साइड में अगर आप देखो तो हेयर डेंसिटी बहुत अच्छी है, उसी से मर्ज करते हुए जब इसको कट कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। हेयर इसमें ह्यूमन हेयर्स होता है, नेचुरल हेयर होता है, लुक इसकी बहुत अच्छी आती है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी इसका हेयर स्टाइल बना सकते हो। बट इसमें जब आप स्पाइक्स वगैरह ऐसा टाइप एडवांस हेयर स्टाइल के लिए जाते हो तो उसमें ये छोटा सा आपका बैरियर रहता है, बिकॉज अब आप इसमें देखो बैक करोगे ये स्ट्रेट लाइन आती है और ये स्ट्रेट लाइन बॉर्डर हार्ड होने की वजह से आप इसको बैक कॉम्बिंग नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करती हूँ, ये आपको अभी जो हमारे पास स्कीम चल रही है उस स्कीम के अकॉर्डिंग 4499 रुपीज़ का रहेगा, उसके साथ इसकी सर्विस जो भी आपका है कम्प्लीट मेकओवर इसी प्राइस में इंक्लूड है आपका। अब मैं थर्ड यूनिट इसकी तरफ जाती हूँ, अब आप इसका देखोगे ये और भी सॉफ्ट है, ये BMW इस जो प्रोडक्ट है इसको BMW प्रोडक्ट बोलते हैं, बट आप इसका टेपिंग देखोगे तो इतना सिल्की इतना वाइट है कि ये ट्रांसपेरेंट लुक दे रहा है, ट्रांसपेरेंट लुक की वजह से ये जब स्टिक हो जाएगा तो इसका बिल्कुल कहीं भी आपको ये देखिए इसमें कहीं डिफरेंस नहीं दिख रहा, बॉर्डर विजिबल ही नहीं है इसमें, डायरेक्शन सेम उसमें भी वही रहेगा, जब आपका किसी भी डायरेक्शन में आप हेयर स्टाइल बनाओ नॉर्मल फॉल है, नेचुरल हेयर है, सिल्की लुक है। आप किस हिसाब की हेयर स्टाइल रखना प्रेफर करते हैं, लाइक शॉर्ट कट या थोड़ा लंबा स्पाइक्स वगैरह, थोड़ा बैक साइड में स्पाइक्स लुक के लिए ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट। अब आप इसमें देखोगे, देखो ये वाले प्रोडक्ट्स में क्या है, ये बॉर्डर है और सेम बॉर्डर है चारों तरफ, चारों साइड, हाँ पूरा कंप्लीट 360 डायरेक्शन में इसका सेम बॉर्डर है। बट आप इसमें ये देखोगे, इसमें ये जो फ्रंट वाला लुक है, ये जैसे आपको हेयर स्टाइल चाहिए उसके लिए ये वाला पैच सबसे बेस्ट रहेगा। रीज़न, इसमें ये वाला जो एक्स्ट्रा स्किन है ये निकल जाएगा कट के। अब ये बॉर्डर सॉफ्ट होने की वजह से अगर आप इसको बैक भी कॉम्बिंग करते हो ये आपको नॉर्मल नेचुरल लुक देगा। जितना सॉफ्ट डेलिकेट प्रोडक्ट लेंगे, जितना क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे, डेफिनेटली लाइफ उसकी कम होती है।
बिकॉज ये आपका स्टाइल का मैटर आ गया, तो जितना सॉफ्ट रहेगा, डेलिकेट रहेगा, उतनी लाइफ तो डेफिनेटली कम होगी। एक नॉर्मल आप जैसे कॉटन का फैब्रिक लेते हैं, एक आप सिल्क लेते हैं, तो सिल्क की लाइफ कम होती है बट बहुत महंगा होता है। 11,999 में, जिसमें आपका कंप्लीट सर्विस, कंप्लीट मेकओवर इस प्राइस में इंक्लूड रहेगा, कोई एक्स्ट्रा आपस इसमें कोई चार्जेस नहीं जाएंगे। अब इसी में से अगर आप आगे की तरफ जाते हैं, जितना हाई एंड आप निकलते जाएंगे उस हिसाब से, एक जैसे एक नॉर्मल ये है गोल्डन सिल्क वाला है, गोल्डन सिल्क वाले का अगर आप इसका हेयर देखते हैं, इसका हेयर देखते हैं, ये हल्का से एक डार्क शेड पे आ रहा है, ये गोल्डन ब्राउनिश लुक पे आ रहा है। ये आपकी च्वाइस और आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। वैसे आपका कॉम्प्लेक्शन ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है, इंडियन कॉम्प्लेक्शन है, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। प्राइस की अगर बात करते हैं तो दोनों का सेम ही है, 11,999 इसका है, 11,999 इसका है। अगर कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हो उस केस में ये वाला प्रोडक्ट विल बी बेटर। अगर आपका जैसे नॉर्मल इंडियन कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से ये वाला बेटर रहेगा, बिकॉज नेचुरल लुक लगनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए। इसी में थोड़ा सा अब एक अपर क्वालिटी और जाते हैं। अभी जैसे इसका आपने फ्रंट देखा, ये प्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग है, राइट। इसका अगर आप देखेंगे तो ये नेट टाइप प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा कंपेरेटिवली दिस वन प्रोडक्ट। ये सेम लुक सेम आएगी, दोनों की प्रोडक्ट की अगर आप देखते हो फ्रंट लुक नॉर्मल नेचुरल लुक आ रही है, किसी भी डायरेक्शन में हेयर स्टाइल बना सकते हो। एक्स्ट्रा नेट है, ये कट जाएगी आपकी, बट इसमें नेट होने की वजह से स्किन ब्रीद करने के लिए ज़्यादा स्पेस आपके पास रहेगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करती हूँ, इसको गोल्डन सिल्क बोलते हैं, फ्रंटलेस गोल्डन सिल्क प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। इसका अगर प्राइस है, मार्केट प्राइस से काफ़ी इकोनॉमिक है, 12,999 आपका प्राइस रहेगा इसमें। सेम इसी हिसाब से इसका हल्का सा अपर वर्जन सॉफ्ट लुक के साथ अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करते हो, सेम वही फ्रंटलेस में रहेगा, बट इसका जो प्राइस रहेगा ये आपका 13,999 का। अभी जैसे स्टार्टअप में मैंने आपको ये वाले बताए थे फ्रंटलेस वाले, इससे जस्ट पहले वाले प्रोडक्ट दोनों, उसी में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इन्हीं प्रोडक्ट्स के बराबर सिमिलर है, बट इसकी नेट से और इसकी नेट में अगर आप देखते हैं तो इसकी नेट की ड्यूरेबिलिटी बेटर रहेगी कंपेरेटिवली दिस वन। सेम फ्रंटलेस है, सेम आपका वो लुक देगा, नेचुरल लुक होगा, नॉर्मल लुक रहेगा, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी बेटर रहेगी इस प्रोडक्ट के बजाय, बिकॉज इसकी नेट की हल्की सी थिकनेस है। तो इसमें अगर आप ये देखते हो, ये देखिए, ये इसका नेचुरल लुक है, ये वाली चीज़ आपकी बेटर रहती है, ये इसकी हेयर लाइन रहती है। तो इसमें देखो एकदम नेचुरल लुक दे रहा है आपका फ्रंट से। इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है दैट इज़ 14,999। इससे ऊपर वाले प्रोडक्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें आपका रहेगा, इन सब में क्या है, आप एक चीज़ देखेंगे, कोई भी यूनिट अगर आप उठा के देखते हो तो जब आप इसको ऐसे टच करते हो, यहाँ देखेंगे नेट आपका विजिबल है, राइट। इस नेट की वजह से जब एकदम नज़दीक से देखोगे तो पता चलता है कि हाँ, इट्स अ नॉन सर्जिकल हेयर यूनिट। बट आप इस प्रोडक्ट में अगर आप जाते हो, ये देखिए ह्यूमन स्किन लुक दे रहा है, ये सिलिकॉन का बना हुआ ह्यूमन स्किन होता है, सिलिकॉन बेस्ड होता है इसका बेस, और ये ह्यूमन स्किन लुक देता है। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट में कंसिडर होता है। इसका लाइफ ऑलमोस्ट 8 to 10 months, डिपेंड करता है आप पे, 12 months भी क्लाइंट चलाते हैं, कुछ 6 to 8 months भी चला रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप 8 to 10 months का इसका लाइफ आप लेके चल सकते हैं। इसकी प्राइस मार्केट 8 to 10 months ईजिली चलेगा, मेंटेन आप अच्छी तरह करेंगे और 12 months भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसका प्राइस है 17,999। वैसे अगर मार्केट में देखेंगे तो प्राइस इसके काफ़ी हाई, बिकॉज ये सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट में काउंट होता है इस लुक की वजह से। 12 महीने यूनिट चल रही है, 12 महीने में अगर 3,000 का एक्सपेंस अगर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो आई थिंक ज़्यादा नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो आई थिंक आपको इसके लिए वो आपका वो अमाउंट देखो, आपका एक सर्विस का अमाउंट है उसको आप कैलकुलेट करते हो तो 4 सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री, जितना अमाउंट इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है उतना तो आपको वहीं मैनेज हो गए। ओके गाइस, सो अगर आप यहाँ पे भाई की कंडीशन देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है मेरे जैसी, जब मैंने एक्चुअल में पैच लगाना शुरू करा था तो इसी तरीके के जो हेयर कंडीशन थी वो मेरे साथ भी था। एंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 7-6 था, बट भाई का यहाँ पे 9-6 का जो पैच है वो यहाँ पे लग रहा है। सो पीछे तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीछे तक काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैच जा रहा है। सो हम पेस्टिंग लगा रहे, पेस्टिंग वाला लगाया जाएगा ना। सो अगर आपका सपोज पैच आप पसंद कर रहे हैं एंड आपके वो हेयर कलर के साथ मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। जैसे प्रदीप ने अभी ये वाला जो पैच है इस पर कलर करा है, एंड हमने जो कलर यूज़ करा है दैट इज़ फ्रॉम लॉरियल मेजरल करके है ब्रांड, एंड इसका 3 नंबर जो है वो हमने
यूज करा है। सो अगर आप पैच यहीं से लगवाते हो, जैसे नया पैच लग रहा है आपका, तो आपका जो भी कलरिंग का प्राइस है वो इंक्लूड रहेगा इसमें, कोई आपको एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम सर्विस कराने आते हैं और आपको लग रहा है कि यार हमारा जो कलर मैच नहीं कर रहा है और आप कलरिंग दोबारा कराते हैं, तो हमारे को 200 रुपए जो है वो इसकी कॉस्टिंग लगेगी। ओके सो क्लीनिंग हो गई हमारी। सबसे मेन जो सबसे जरूरी चीज है, दैट इज द स्कैल्प प्रोटेक्टर। हम यहाँ पे स्कैल्प प्रोटेक्टर कौन सा यूज करें एक बार दिखा दे। ओके सो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉकर का ही होगा। अगर यहाँ पे टेप की बात करें, अगर हम यहाँ पे ग्लू की बात करें, तो सारे प्रोडक्ट जो ब्रांडेड आते हैं वो होंगे। एंड मेन ये चीज काफी ज्यादा जरूरी होती है, तो जब भी आप पैच यूज कर रहे हैं तो ये स्कैल्प को प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। जो हमारा स्टेप होता है दैट इज द ग्लू, और यहाँ पे हम वॉकर की जो ग्लू है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इसको हम पूरा चारों तरफ से राउंड जो भी एरिया है वहां पे लगाएंगे। एंड इसको हम पैच पे भी लगाएंगे? पैच पे नहीं लगाएंगे। अगर लोकल टेप लगाओगे तब पैच पे लगाना पड़ता है। ओके बट हम वॉकर की टेप लगाएंगे, तो उसके साथ हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जो स्कैल्प है सिर्फ उसी पे ही जो ग्लू है उसके लगाने की जरूरत पड़ती है। ओके सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है टेप लगाने का। सो पैच पे आप देख सकते हो यहाँ पे टेप लगनी शुरू हो रही है, और हम यहाँ पे जो टेप यूज़ कर रहे हैं वो है जर्मन ब्राउन आपकी वॉकर की ही। काफ़ी जगह आपको ये नहीं दिखेगा, तो अगर मैं यहाँ पे टेप का रोल भी दिखाऊं, तो टेप को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे वॉकर का प्रॉपरली नाम जो है वो लिखा हुआ दिख जाएगा। एंड जो भी हम टेप लगाते हैं वो हम एक के ऊपर एक सीरीज करके लगाते हैं, बीच में गैपिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं देते। इससे पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, एंड इसको उतारते हुए भी जो है आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आती। ओके सो मार्किंग वगैरह हो गई है, टेप लग गई है, ग्लू लग गई है, एंड अब हम भाई का जो पैच है उसको फिक्स करने जा रहे हैं फाइनली। एंड प्रेस करके, जब भी आप पैच लगाते हैं तो पूरा प्रेस करके खींच के चारों तरफ से, ताकि पैच फिर निकले ना। तो उस तरीके से हम जो है इसकी पूरी की पूरी फिटिंग करते हैं। और भाई की देखो शक्ल ही चेंज हो गई भाई, ऐसे ही रख लो हेयर स्टाइल इतने बड़े बालों के साथ है। फिर गाना गाना तेरे ना ऐसे बेकार लगेगा इतने बड़े। सो भाई अब इनकी हेयर कटिंग करते हैं, देखते हैं कौन सा हेयर स्टाइल हमारे प्रदीप भाई दे रहे हैं। ओके सो यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो काफी हद तक हो गई है। सो प्रदीप, हमने साइड से बेसिकली यहाँ पे भाई को छोटे बाल दिए, एंड हमने ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट नोज लेवल तक जो बाल है वो दिए। तो एक बार ही फ्रंट की लेंथ भी दिखा दे, कितनी लेंथ आ रही है, ताकि एक अंदाजा हो सके। सो अगर हम यहाँ लेंथ देखोगे तो आपको लेंथ पता चल जाएगी। तो इस लेंथ पे हम क्या क्या हेयर स्टाइल बना सकते हैं एक बार हेयर स्टाइल? हम साइड पार्टीशन और हल्का सा बाउंस, हल्का सा बाउंस लेके ये देखो ये वाला सिस्टम कर सकते हैं। ओके सो एक तरीके से जैसे हल्का सा पीछे की तरफ रखा वो हम कर सकते हैं। इसी में हम जैसे ब्लो ड्रायर मार देंगे तो ऑटोमेटिकली पफ आ जाएगा। अगर हम बिल्कुल पीछे की तरफ देना चाहते हैं संजय दत्त स्टाइल, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी एक ऑप्शन है। एक साइड पार्टीशन भी करके दिखा, पूरा जैसे साइड पार्ट करते हैं सपोज हम, तो हम इसमें जैसे साइड पार्ट करना चाहें तो साइड पार्ट भी एक बार ही करके दिखाते हैं आपको कि साइड पार्ट करने के बाद कैसी लुक आ रही है। जैसे आप साइड पार्ट अगर रखना चाहते हो तो कुछ ऐसी सी लुक आपको साइड पार्ट के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम स्पाइक भी इवन थोड़े करना चाहें तो वो भी हम इन बालों में रख सकते हैं। कोई ऑप्शन अभी स्पाइक कर सकते हो, साइड पार्टीशन ले सकते हो, ऐसे बाउंस पूरा ले सकते हो, वॉल्यूम देना चाहे तो वॉल्यूम भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी हम रखना चाहें रखते हैं। यहाँ से बाउंस हमारा जो फाइनल हेयर कट है, फाइनल लुक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा भी मिल सके कि यार जो लुक है हमारी वो कैसी सी आ रही है। एंड कहीं से कुछ पता तो नहीं चल रहा कि जो पैच है वो लगा हुआ है। इवन अगर हम यहाँ पे साइड की बात करें तो साइड से अगर आप देखोगे तो कहीं से भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि अलग से पैच को ऊपर लगा रखा है। काफ़ी अच्छी मर्जिंग जो है वो यहाँ पे प्रदीप ने दी है इन बालों के अंदर। एंड अगर हम पीछे से बात करें तो पीछे से एक बारी थोड़ी सी ब्राइटनेस और बढ़ा देते हैं, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर विजन जो है वो यहाँ पे मिल सके। सो कुछ ऐसी सी लुक। एंड पीछे से अगर आप देखोगे तो मर्ज एकदम बाल हुए हुए, एंड कहीं से भी ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे मैंने आपको बोला कि यार पैच लगा हुआ है। एंड एक बारी हम इस तरफ से भी देख लेते हैं। सो इस तरफ से जो हमारी लुक है वो ऐसी सी आ रही है। सो गाइस, अगर आप भी कुछ अपनी ऐसी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, देन आपको आना है हेयर मॉन्ड पे। एंड प्रदीप से अभी मेरी बात हुई, सेड कि यार अगर कोई कैंसर पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है हेयर की, देन हम उसको बिल्कुल रेट टू रेट जो है पैच लगा के दे देंगे। सो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस मिल जाएगा, जल्दी से आओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं।